बॉलीवुड में कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हो तो ये भी सकता है कि एक गलत निर्णय आपके पूरे करियर को चौपट कर दे। ये भी हो सकता है कि एक सही निर्णय आपको रातों रात सुपरस्टार बना दे। और आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिस फिल्म का ऑफर भले ही अनिल कपूर को पहले ना मिला हो, मेकर्स की पहली पसंद अनिल कपूर ना हो, लेकिन इस फिल्म ने रातों रात अनिल कपूर को सुपरस्टार का दर्जा जरूर दिलवा दिया था। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1990 में। फिल्म थी कृष्ण कन्हैया। अगर आप में से किसी ने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में थे जबकि उनकी एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित। फिल्म रिलीज हुई और फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की और इस फिल्म के जरिए जो है अनिल कपूर का करियर चल निकला। अनिल कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए। लेकिन इस फिल्म के लिए अनिल कपूर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। मेकर्स इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया, जिसके बाद मेकर्स कई और एक्टर्स के पास पहुंचे लेकिन वहां से भी मेकर्स को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद फाइनली ये फिल्म अनिल कपूर की झोली में आ गई। और इस फिल्म ने उस साल यानी कि 1990 में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। 1990 में ही अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी आज का अर्जुन, जिसने रिकॉर्ड बनाया था तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने का। अगर अमिताभ बच्चन कृष्ण कन्हैया फिल्म कर लेते तो उस साल तीसरे और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड जो है वो अमिताभ बच्चन के नाम हो जाता। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये फिल्म नहीं थी और ये फिल्म अनिल कपूर की किस्मत में थी। इसी फिल्म से अनिल कपूर की किस्मत जो है वो मोड़ लेने वाली थी और हुआ भी यही। लोगों को अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी बहुत पसंद आई और इसके साथ ही अनिल कपूर जो हैं एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जाने जाने लगे जिस पर मेकर्स दाव लगाना चाहते थे। क्योंकि 1990 में एक और फिल्म अनिल कपूर की ऐसी थी जो कि कमाई के मामले में टॉप 10 में शामिल थी। ऐसे में मेकर्स के लिए बड़ा आसान हो गया था अनिल कपूर को अपनी फिल्मों में लेने के बारे में सोचने में। वैसे अगर आप सबने देखी है ये फिल्म तो जरूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि माधुरी और अनिल कपूर ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है तो किस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा ये जोड़ी अच्छी लगी है।